Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fifth lecture of Structure of Atom. Before starting, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations लेकर आया है आपके लिए online program and online plus classroom program for the preparation of JEE NEET NDA. तो आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो वीडियो देख रहे हैं सो सेम पीपीटी एंड उसमें जो हैंड रिटन नोट्स है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विद नोट्स एंड वर्कशीट पीडीएफ सो दैट आपको मार्केट से कोई भी मटेरियल परचेस ना करना पड़े। एंड देर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी विल बी अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल फॉर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशंस। वी फोकस ऑन पेडागॉजी सो दैट आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए एंड वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सो आप जो भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपको इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है अबाउट स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ एंड एनर्जीज। सो यहां पे हमें स्पेक्ट्रम से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज पूरी पता चल रही है। सो सन से हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कॉस्मिक रेज से लेके तो रेडियो वेव तक सभी फ्रीक्वेंसीज उसमें आ जाती है। सो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में सारा डिटेल देख लिया था। आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन। एज यू नो अगर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एमिट हो रही है तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं जिसमें से लाइट जिसके थ्रू चले जाती है, तब उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है। बट कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड नेचर में ऐसे मटेरियल अवेलेबल है जो 99.99% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसका एक एग्जाम्पल है कार्बन ब्लैक। सो हमने यहां पर दो वर्ड्स देखे हैं, एक है परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड सेकेंड वन इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हमने देखा है विच इज कार्बन ब्लैक। सो ये क्या करता है, इट कैन एब्जॉर्ब 99.99% ऑफ लाइट। सो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है आइए समझते हैं उसे। कोई भी अगर ब्लैक बॉडी को अगर हम सोर्स ऑफ लाइट में एक्सपोज करते हैं सो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज वो एब्जॉर्ब करेगा एंड जैसे जैसे लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है आप देख सकते हैं उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी, दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड रिमेम्बर ये सिर्फ ब्लैक बॉडी नहीं करती है, नेचर में कोई भी मटेरियल है अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो उसमें से रेडिएशन होता है। सो हर बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। सो सन भी बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना है कि उसमें से ऑल पॉसिबल वेवलेंथ एमिट हो रही है। सो रिमेंबर ब्लैक बॉडी मीन्स ऐसी बॉडी जो 99.99% ऑफ एनर्जी और लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है एंड लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से देन उसमें से रेडिएशन होगा, सो रेडिएशन एमिट होगा, उस रेडिएशन को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ऐसा मटेरियल लैब में बनाया गया था कि एक स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर लिया गया था जिसके इनर साइड में
कार्बन ब्लैक की लेयर लगाई गई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड वहां पे जो अपर्चर है उसमें से लाइट एंटर होने पे मल्टीपल टाइम लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, एंड हर रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड हर रिफ्लेक्शन में यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एंड इस तरीके से जितना रेडिएशन एक्सपोज किया गया था, रेडिएशन में उसे एक्सपोज किया गया था, पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड रेडिएशन एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें से रेडिएशन इमिट होने लगेगा। जो होल से लाइट एंटर हुई थी, अब उसी होल से रेडिएशन बाहर आने लगेगा। दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहा गया है? विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। सो अगर सब्सटेंस जिसको हम हीट कर रहे हैं वो ब्लैक बॉडी है, सो आफ्टर हीटिंग जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें से रेडिएशन होने लगता है, दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देन अब आ जाते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। मैक्स प्लैंक, इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया। एंड इसके बाद क्वांटम थ्योरी जो है वो आगे रखी गई, जिसके बारे में हम धीरे धीरे और स्टडी करेंगे। एंड इन थ्योरी को एक्सटेंड किया गया आइंस्टाइन के थ्रू। सो हम जानते हैं सबसे पहले क्वांटम थ्योरी जिसका बेसिक क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। मैक्स प्लैंक इन्होंने क्वांटम थ्योरी आगे रखी, सो हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में देखना है। सो प्लैंक इन्होंने बताया कि रेडिएशन एनर्जी विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी, इट इज नॉट कंटिन्यूअस और बट इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटम। मीन्स इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट ये स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, एंड इच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। हर एक स्मॉल पैकेट को क्वांटम कहा जाता है, एंड इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। सो रेडिएंट एनर्जी स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटम। रेडिएंट एनर्जी के पैकेट को हम क्या कह रहे हैं? क्वांटम कह रहे हैं। क्या कहा गया? ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड इच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट, अगर वो एनर्जी लाइट एनर्जी है तो इन केस ऑफ लाइट दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। ये किसने बताया? ये मैक्स प्लैंक इन्होंने हमें बताया। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ क्वांटम। आप जैसे कि यहां पे देख सकते हो कि लाइट स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम, एक स्मॉल क्वांटम की जो एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसको प्रोपोर्शनल होता है ये? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है, तो उसके वजह से लाइट की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग, कि फ्रीक्वेंसी को एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी अल्टीमेटली बढ़ेगी। सो अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, विबग्योर की बात करें, तो विबग्योर में से हमें पता है कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है, एंड ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। सो ये पॉइंट भी किसने बताया? मैक्स प्लैंक इन्होंने बताया। इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, एंड काफी जो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ डेटा था उसे टैली किया, स्टडी किया, इक्वेशंस बनाए, और उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं। देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। मीन्स यहां पे क्या कहा गया है कि जितनी एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है
वो क्वांटम के होल नंबर के बराबर हो सकती है। मतलब सपोज यहाँ पे इसने ये एक मेटालिक शीट हमें दी हुई है, सो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हो सकता है इट इज एन नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। मीन्स ये कभी भी एनर्जी के फ्रैक्शन में नहीं होता है, एनर्जी का होल नंबर मल्टीपल ही होगा। मीन्स हो सकता है इसने 2 क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब की या 100 क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब की। सो होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। देन द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। वी नो हमें एक रिलेशन पता है, वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, वेयर एन स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। सो इससे अगर हम वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये रिलेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। सो इससे अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमें बताना है, क्योंकि फॉर अ लाइट वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो इससे रिलेशन क्या मिलता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सो ये ऑब्वियस है, हमने अभी देखा था रेड लाइट के बारे में एंड ब्लू लाइट के बारे में। सो हमने देखा इन केस ऑफ रेड लाइट एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। सो वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। सो इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है एंड ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सपोज 10⁻¹⁷ जूल्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 10⁻¹⁷ जूल्स। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का वेवलेंथ गिवन है विच इज 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर जूल यहाँ पे एसआई यूनिट है, सो हमें नैनोमीटर को भी एसआई में कन्वर्ट करना है, तो एसआई इज मीटर। सो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर आएगा 10⁻¹⁹ मीटर। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट आर नीडेड टू जनरेट दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो कितने फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन हमें बताने हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, सो एक स्मॉल डेरिवेशन देख लेते हैं एनर्जी के फॉर्मूले के लिए। सो वी नो एनर्जी, एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू, वेयर न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, व्हाट इज सी, सी इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। सो इससे न्यू के लिए फॉर्मूला बनेगा सी बाय लैम्डा। अब हम न्यू की वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट करें तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, बट दिस इज फॉर वन फोटोन, सो एनर्जी ऑफ एन फोटोन इज गिवन बाय एन टाइम्स एच सी बाय लैम्डा। सो ये रहेगा एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। सो एन के लिए रीअरेंज करने पे हमें मिलता है ई लैम्डा बाय एच सी। अब उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ई इज 10⁻¹⁷, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट इज 550 इंटू 10⁻¹⁹ एंड डिवाइड बाय एच, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, इसके वैल्यू आपको गिवन रहेगी विच इज 6.626 इंटू 10⁻¹⁴ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ये भी कांस्टेंट होता है विच इज 3 इंटू 10⁻¹⁸। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 550 एज इट इज इसे हम लिख सकते हैं 10⁻¹⁹⁹ -17 -9 हमें मिलता है -26 डिवाइड बाय, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6.6, तो अप्रोक्स हम वैल्यू ले रहे हैं इसकी, देन इंटू 3 इंटू 10⁻¹⁴ + 8 -34 + 8 हो जाता है 10⁻¹⁶। सो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाता है, सो हमें मिलता है 550 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 3। हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं 11 से, 11 फाइव ज़ा एंड 0
एंड 11 6 जा, बट एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आएगा कुछ भी नहीं, इसलिए जीरो। सो ओवरऑल हमें मिलता है 50 अपॉन 0.6 इंटू 3, ये हम पॉइंट कैंसिल करके ऊपर एक जीरो दे रहे हैं। सो हमें मिलता है अभी 500 डिवाइड बाय 6 3 जा 18। सो डिवाइड करने पे वैल्यू आती है 27.77, जिसको हम अप्रोक्स ले सकते हैं 28। सो आंसर इज 28। सो इस तरीके से नंबर ऑफ फोटोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट इसे बताने के पहले आपको बताना चाहूंगा, हमें पता है कि मेटल्स जो है, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में रखा हुआ है, मेटल्स, मेटलॉइड, नॉन मेटल्स। सो मेटल जो है, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, एक या एक दो तीन इतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एंड क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री स्पेस काफी ज्यादा होने के वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। सो ओवरऑल इस पिक्चर को देखने पे, अगर हम ऑर्बिट ना देखें तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर दिखाई देगा। जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियस, एंड जो आपको मूविंग ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। सो हम कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव कर पा रहे हैं क्योंकि ऑर्बिट में बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस पाई जा रही है। अब व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो यहां पर आप देखिए, जैसे ही ये मेटल प्लेट है, दिस इज मेटल प्लेट, मेटल प्लेट पे एक लाइट जब इंसिडेंट हो रही है, इस पे से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, मेटल प्लेट। सो मेटल प्लेट पे क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके सामने की रिसीवर प्लेट में और रिसीवर रॉड में। सो जिसमें से प्लेट, जिस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, हम उसे नाम दे देते हैं एमिटर प्लेट, उसे कहते हैं हम एमिटर प्लेट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसे कहा जाएगा कलेक्टर प्लेट। सो हम देख सकते हैं कलेक्टर प्लेट में इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल की ओर अट्रैक्ट होंगे। एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा, एंड आप देख सकते हो एमिटर में रीडिंग दिखाई दे रही है, एमिटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। सो डिफ्लेक्शन से कंफर्म होता है कि यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। सो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नाम दिया गया है, फोटो मीन्स लाइट, एंड लाइट के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, that is why it is called as photoelectric effect. So इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, when radiation with certain minimum frequency strike the surface of metal, electron are ejected from the surface of metal. जैसे ही suitable frequency का radiation metal plate पे incident होता है, so metal plate में से electron eject हो रहे हैं, and this phenomena is called as photoelectric effect. और जो electron इजेक्ट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने देखा यहां पे क्या हो रहा है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जैसे ही मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने के वजह से करंट बढ़ रहा है। मैं आपके लिए यहां पे अच्छे से लिख देता हूं कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने के वजह से क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। क्यों करंट बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा लाइट, मीन्स उतने ज्यादा फोटोन, एंड उतने ज्यादा फोटोन होने के वजह से उतना ज्यादा लाइट एमिट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। हमने तो देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसके वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है उन्हें, एंड जो करंट डेवलप हुआ उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, हमने देखा कि मैक्स प्लैंक, इन्होंने बताया कि जो लाइट है, लाइट डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल होती है,
एंड हर पैकेट को एनर्जी कहते हैं। एंड जैसे ही लाइट मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होती है, तो फोटोन की जो एनर्जी है, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हमने बात की थी, वो एनर्जी जाती है इलेक्ट्रॉन में। एंड इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ एनर्जी सरफेस में से फ्री होने के लिए यूज करता है और बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख पा रहे हैं। सो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे एंड जितने ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन एंड उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे एंड हेंस करंट भी बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ने के वजह से करंट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। एंड अगर हमने इंटेंसिटी सपोज कांस्टेंट रखी, अब एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सपोज हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी और हमने क्या की, वेवलेंथ चेंज की, हमने वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज की। चलो मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमने चेंज की। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई तो क्या इससे करंट बढ़ेगा? नहीं, इससे करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रिमेंबर, करंट पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने के वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे से खुद को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो उतनी यूज करेगा ही, लेकिन जो बची हुई ज्यादा की एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के वजह से करंट नहीं बढ़ेगा, करंट जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई भी लाइट के लिए इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होने पे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होना शुरू हुए, कि पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहे हैं, भले ही वो आगे नहीं ट्रेवल कर पा रहे बट मेटल में से फ्री हो पा रहे, मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी थी पूरी की पूरी यूज कर ली। सो उस एनर्जी को कहा जाता है या उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा अगर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। अब सपोज यहां पर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे एमिट की, सो ज्यादा लाइट एमिट करने के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड सर्किट कंप्लीट होगा और हमें करंट दिखाई देगा। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे कनेक्शन रिवर्स कर दे, अगर हम इसे नेगेटिव चार्ज दे एंड इसे पॉजिटिव चार्ज दे दे, तो उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज रॉड से रिपेल होंगे एंड रिपेल होने के वजह से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज हमने क्या किया, इसे नेगेटिव चार्ज दे दिया एंड इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, बट जिस प्लेट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वही प्लेट में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब इस पे नेगेटिव चार्ज होने के वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, रिपेल होगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल जो हमें कलेक्टर प्लेट को देना है जिसके वजह से यहाँ पे करंट की रीडिंग क्या आ जाए, जीरो, उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, कि प्लेट को, कलेक्टर प्लेट को हम मिनिमम कितना पोटेंशियल दे सो दैट यहाँ पे करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को कहा जाता है कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। देन हमने ये पहले ही देखा है कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर बढ़ती है एंड
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं. नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एंड यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होंगे. हेंस हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. एंड काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे. तो आइए हम देखते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. देखिए, सपोज एक मेटल प्लेट हमें गिवन है. इस मेटल प्लेट पे सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है एंड उसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे. सो इलेक्ट्रॉन ने डेफिनेटली इंसिडेंट रेडिएशन में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी सो दैट वो अपने आप को मेटालिक प्लेट में से फ्री कर पाए, मेटालिक सरफेस में से फ्री कर पाए. सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है टू गेट फ्री इट सेल्फ फ्रॉम द मेटल प्लेट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है? ये होती है एनर्जी किस लिए यूज की जाने वाली? टू गेट फ्री फ्रॉम सरफेस, जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं. अब सो सपोज इंसिडेंट रेडिएशन में एच न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू उसकी एनर्जी है, सॉरी न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू उसकी एनर्जी है. सो अब हमें पता है कितनी एनर्जी उसने खुद को फ्री करने के लिए यूज किया है? फाई. सो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. सो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, उसमें से हमें वर्क फंक्शन माइनस करना पड़ेगा. मींस जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने खुद को फ्री करने के लिए यूज की वो एनर्जी हम एनर्जी ऑफ फोटोन में से माइनस कर देंगे. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू माइनस फाई. अब यहां पर इसे इक्वेशन हम वन दे देंगे. अब फाई की वैल्यू बतानी है हमें. सो सपोज काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली ही नहीं. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होता है, आगे मूव नहीं कर पाता. सो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी तब काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी. सो यहाँ पे जीरो इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव. सो इससे फाइव की वैल्यू क्या मिलती है? फाइव शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट. इसे इक्वेशन हम टू कंसीडर करेंगे एंड फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मिलता है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इससे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी भी पता चल सकती है. एंड ऑल मेटल्स एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेन एक्सपोज टू यूवी लाइट. सभी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं अगर उन्हें यूवी लाइट में एक्सपोज किया जाए. लेकिन जो अल्कली मेटल्स है लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये विजिबल लाइट में भी, जो नॉर्मल विजिबल लाइट है उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है. एंड इसमें से सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी है सीसीएम की, सीजियम की. सो सीजियम की लो एनर्जी होने के वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें इसका यूज किया जाता है. तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा अल्कली मेटल यूज किया जाता है? सीजियम किया जाता है. वाई सीजियम? क्योंकि लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए सीजियम का यूज किया जाता है. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए शेयर करते हुए.
हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, सो प्लीज़ गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कीजिए या आप हमें मेल कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।